सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, इतनी फ्रेश एयर है ना। तुम तो यहाँ आने को मना कर रही थी और अब हंस रही हो। खैर, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, बोलो। हद एटीट्यूड है यार, सच में कितने पागल लोग हैं। एबेक, एबेक। यार ये पागल असाइनमेंट का फर्स्ट पेज लगाना ही भूल गया। कोई ना, मैं लगा देता हूं। एबेक, यार कितना सोएगा? आंटी के कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। एबेक, एबेक, कुछ तो गड़बड़ है। यार ये डॉक्टर फोन भी नहीं उठा रहा है, क्या करूं? हर उस बुराई को छोड़ आया हूं मैं, बुराई तो कहां बल्कि उन इंसानों को ही जिन्होंने ये बुराई बनाई है। अकेले होना परफेक्ट नहीं है, पर उनके साथ से कहीं गुना ज्यादा अच्छा। मेरी किस्मत अब यही है, ए बैक्स डेस्टिनी। यार अजीब बात है, 26 आवर्स तो बहुत होते हैं। वही ना यार, मुझे लगा आउटिंग पे गया है तो थक गया होगा, पर इतना सोना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। एबेक, एबेक, इससे तो काम नहीं बन रहा। डॉक्टर को कॉल किया? हाँ किया था, पर वेट यार, ये हाथ पड़ने का टाइम नहीं है। रुको यार, आकर्ष एबेक 23 समथिंग का है ना? हाँ 22। क्या हुआ? इस एज में एबेक का हार्ट ब्रेक लिखा है और वो भी बहुत इफेक्टिव। वैसे तो ये इसे पास्ट भूलने में बिलीव करता है, बट ये तो इसे लाइफ तक भूलने के लिए फोर्स कर रहा है। तो अब क्या होगा? हाँ यार अब क्या होगा? वेट यार, इज नॉट इट रिडिकुलस, हम लास्ट 5 मंथ्स इसके साथ में, बट हमने ध्यान नहीं दिया एबेक का मतलब क्या होता है। यार अब तू नाम नाम मत खेल, उसके बारे में सोच। एबेक मतलब मास्टर ऑफ द मून। इसका हाथ ये बता रहा है कि इसकी इमेजिनेशन पावर हद से ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो इन पावर्स को यूज करके अपनी एक खुद की एक दुनिया बना सकता है। बट वो ऐसा करेगा क्यों? शायद इस दुनिया से दूर जाने के लिए, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर अब हम क्या करें? इसकी इमेजिनेशन को कंट्रोल, बट बीइंग अ पाल्मिस्ट मैं सिर्फ डायग्नोस कर सकती हूँ, सॉल्यूशन नहीं। वेट, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। एवरीवन नोस कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ,
बट वो ये नहीं जानते कि मैं ऐसे क्यों हूँ। इसीलिए नहीं क्योंकि आप मेरी सब बात सुनते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप कभी कुछ गलत नहीं करते। क्या सही है क्या गलत ये आप जानते हैं, मैं नहीं। गणपति बापा अब आप ही कुछ कीजिए। एबिक इज अ वेरी स्वीट गाय। डर से दूर जाना इसका समाधान नहीं, और अगर डर का कोई समाधान नहीं तो अपनी सोच से उस डर को ही अपनी जीत माना। कुछ खोया तो वो तुम्हारी जीत, और कुछ पाया तो वो भी तुम्हारी जीत। ये सही बात नहीं है, हार और जीत इस दुनिया के दो पहलू। मैं सिर्फ सोचने को बोल रहा हूँ, कुछ सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो ना, कुछ अजीब या बुरा क्यों। सच तो सच ही रहेगा, पर हमारी अच्छी सोच हमें कमजोर नहीं करेगी। इस दुनिया के जवाब इसी दुनिया में है, बस हमारी सोच है कि हम हमारी समस्याओं का क्या समाधान निकालते हैं। ये जगह अच्छी नहीं थी, वो जगह देख। क्या घर से फोन नहीं था, कंपनी से था। यार कितनी अजीब बात है ना, इतनी अच्छी सोच होने के बाद भी मैंने ये सोचा नहीं कि ये पागल नहीं मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने सही कहा था कि इस दुनिया के जवाब इस दुनिया में ही है, बस सोचना हमें होगा।